नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल टॉप 25 जीएस क्वेश्चन की। तो आप सभी को बता दें कि आने वाले एग्जाम में जितने बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली हम आपको 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें जितने बार हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या पॉलिटी हो या आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी ऐड किया जाता है, ताकि आने वाले एग्जाम में इसकी मदद से आप एग्जाम को इजिली क्रैक कर पाएं। तो यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितना टोटल आपने स्कोर किया। उम्मीद करता हूँ जितने लोग बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे वो 20+ यहाँ पर आराम से स्कोर कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि अन अकेडमी की तरफ से प्रैक्टिस PYQ टेस्ट सीरीज नवंबर में चलाई जा रही है, और ये जो टेस्ट सीरीज होगी 9 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलाई जा रही है 2020। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 15 टेस्ट करवाए जाएंगे, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे डेली करवाए जाते हैं। यहाँ पे वीक देख सकते हैं आपके, फर्स्ट वीक में कौन से होंगे, सेकंड वीक में कौन से होंगे और थर्ड वीक में कौन से होंगे, 3 वीक यहाँ पे चलेंगे। तो मंडे को यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट वीक में जो होगा मंडे को Quant Test 1 होगा, फिर Quant 2 होगा 3 होगा, इसी तरीके से आपके करवाए जाएंगे। तो मंडे को जो आपका होगा Quant 1 का होगा, ट्यूसडे को जो होगा इंग्लिश टेस्ट होगा, वहीं पे वेडनेसडे को रीजनिंग होगा और थर्सडे को आपका GA होगा और फ्राइडे को आपका रहेगा GS टेस्ट। यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक का शेड्यूल फिक्स है। हर एक में देखेंगे कि पहला हो जाएगा, फिर दूसरा पोर्शन हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, इस तरीके से करवाया जाएगा। तो इसमें आप जितने बार SSC के जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो फटाफट से जाके इसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ से जाके आप इसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसके लिए एनरोल करवा लें, और अगर आपने इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और बाकी के लोग भी इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आज ही आप सभी लोग इसके लिए एनरोल करवा लेंगे। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बहुत ही कम अमाउंट में। तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और डेली लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस वगैरह का बेनिफिट उठाइए। उम्मीद करता हूँ आज ही जाके आप सभी अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से सभी क्लासेस का बेनिफिट लेने लगेंगे और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देंगे। तो फटाफट से जाइए, सभी डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को वहाँ पर दी गई है, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सुधीर भार्गव, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार सिन्हा और ऑप्शन डी दिया गया है बिमल जुल्का। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, फटाफट से सभी लोग करेक्ट आंसर देंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का पहला आयुर्वेदिक COVID-19 केयर सेंटर कहाँ खुला है? ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी राजकोट गुजरात, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजकोट गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बताएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्ले डार्लिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 देखेंगे, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, हमनप्रीत कौर, सी ज्ञानेंद्रो निगोवम और राजीव सचान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निगोवम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे नंबर 5, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन ए न्याय, शिक्षा, पुलिस प्रशासन या राजस्व प्रशासन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 दिया गया है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। नंबर 7 दिया गया है, मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए फ्रांस, रूसी संघ या कनाडा या भारत। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसी संघ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 दिया गया है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
फटाफट से बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखेंगे 10वां, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए डलोजी, जॉन मथई, केनिंग या विलियम हॉकिंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 11वां दिया गया, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी। तो 11वें का सही आंसर बताएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। 12वां दिया गया, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो फटाफट से बताएंगे 12वें का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 13वां दिया गया, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी दिया गया अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं 14वां, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप किसने जीता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फटाफट से बताएंगे 14वां का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन मैंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15वां देखेंगे, रसाती द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर पुस्तक जो हाल ही में लॉन्च हुई के लेखक हैं। तो कौन लेखक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फटाफट से बताएंगे 15वां करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सशेंद्रन कल्ली केल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए चेर, पांड्या, राष्ट्रकूट या चोल। तो 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 17वां दिया गया, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए रामकृष्ण प्रथम, कृष्णा, रामकृष्ण द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18वां देखेंगे, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए चिड़ियाघर, कृषि, शेयर बाजार या पशुपालन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है तो याद रखिएगा बियर और बुल जैसे शब्द कहाँ पे किस क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। नंबर 19 दिया गया है, क्राय किसका संक्षेपण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी सी आर वाई की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20वां दिया गया, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी दिया गया है खुजरायो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 21वां दिया गया, स्टेप क्रॉस द लाइन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए शोभा डे, खुशवंत सिंह, सलमान रसदी या तस्लिमा नसरीन। फटाफट से बताएंगे तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रसदी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 22वां दिया गया, कलिंग किन दो नदियों के बीच स्थित था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें का महानदी और गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 23वां दिया गया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण। तो फटाफट से बताएंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। चलिए 24वां दिया गया है, डम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए अमृतसर, इंडोनेशिया, श्रीलंका या मलेशिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25वां दिया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसने किए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्ने कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, आप सभी के कितने सही क्वेश्चन है आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है ताकि आपका स्कोर चेक हो सके और आपको भी अपना लेवल पता चल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।